सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये आपको जो दिख रहे हैं ना तार मुड़े हुए पूरे, इसके जो कंडेंसर के ये कॉइल के दिखे हुए हैं पूरे मुड़ चुके हैं दोस्तों, ये हो चुके हैं हाई प्रेशर वॉश कर दिया उसने। एक चीज़ आपको ये भी करवा लेनी है, बोनट है जो इसका, ये ओपन कर लेना है और अच्छे से क्लीन करवाना है। देख सकते हो मेरा बोनट बिल्कुल क्लीन है एकदम अच्छे से। तो जी क्या हाल चाल है मेरी YouTube फैमिली, बढ़िया होना एकदम। ये वीडियो थोड़ी खास होने वाली है, मुझे लगा नहीं था पहले कि ये वीडियो थोड़ी खास हो सकती है, लेकिन टाटा नैनो वालों के लिए बहुत ज़्यादा खास वीडियो है दोस्तों। कार वॉश कैसे करानी चाहिए आपको, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और 90% लोगों को कार वॉश करानी नहीं आती अपनी, ठीक है, वो दे देते दे भाई कार वॉश कर दे, और वो ऐसे ऐसे ऊपर से करके छोड़ देते हैं कार वॉश करके। और 90% लोगों को कार वॉश जो होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती, उन्हें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। आज ये वीडियो उसी टॉपिक के रिलेटेड है। मेरी कार 2 महीने हो गए दोस्तों, 1.5 महीने तो कम से कम हो गए, और 1-2 दिन मैंने चलाई थी बस, बीच में पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी, हमारे यहाँ पे देसी भाषा में कहते हैं कीकर, कीकर के नीचे खड़ी थी भाई कार। और इतनी ज़्यादा पत्तियाँ हो गई थी, इतनी ज़्यादा पत्तियाँ कार के ऊपर, आधे आधे शीशे है ना, इतना इतना शीशे पे पूरी पत्तियां जमा हो गई थी, तो आप इससे सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पत्तियां इकट्ठी हो गई थी। और मैंने शीशे खोल के कार चलाई तो कार के अंदर भी आ गई बहुत ज़्यादा। और मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर लोग जो करते हैं ना इंडिया के अंदर, वो जैक वाली जो वॉशिंग होती है वहाँ पे वॉश नहीं करवाते, नॉर्मल वॉशिंग करवाते हैं कार के अंदर। तो जैक वाली वॉशिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीचे टायर सरफेस पूरा नीचे से क्लीन होना चाहिए अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या क्लीन करना चाहिए। तो ये आ गया मैं पीछे की सीट पर, इसे जैसे ही मैं कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमें इंजन सेक्शन आ जाता है। इसे मैं जैसे ही हटाता हूँ कवर को, तो यहाँ पे जो नट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे नट्स आपको खोल के घर से ले जाने हैं। क्यों ले जाने हैं? क्योंकि आपको इंजन भी वॉश कराना है नैनो का, और कार में तो दोस्तों आगे होता है इंजन, लेकिन नैनो का पीछे है और वो भी सीट के नीचे है। तो ये आपको नट्स खोल के ले जाने हैं, नहीं तो वो भाई क्लीन नहीं करेंगे आपका इंजन। तो ये आपको खोल के ज़रूर से ले जाने हैं, नहीं तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे और आपका क्लीन नहीं करेंगे। एक चीज़ आपको ये भी करवा लेनी है, बोनट है जो इसका, ये ओपन कर लेना है और अच्छे से क्लीन करवाना है। देख सकते हो मेरा बोनट बिल्कुल क्लीन है एकदम अच्छे से, बहुत ज़्यादा शानदार क्लीन करा है उसने, और भाई ने बहुत ही अच्छी कार वॉश करी है मेरी। इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कितने प्राइस लगे, बहुत लो मेंटेनेंस पे करवाई, और आप भी करवा सकते हो अगर आसपास में हो दोस्तों। सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये आपको जो दिख रहे हैं ना तार मुड़े हुए पूरे, इसके जो कंडेंसर के ये कॉइल के दिखे हुए हैं पूरे मुड़ चुके हैं दोस्तों, ये हो चुके हैं हाई प्रेशर वॉश कर दिया उसने। मैंने उससे पहले बोला था कि भाई लो प्रेशर पे मारना, लेकिन वो सुना ही नहीं शायद, उसने हाई प्रेशर पे मार दिया और सारे जो कॉइल के तार दिख रहे हैं ना आपको, सारे मुड़ चुके हैं। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इतना, लेकिन फ़र्क पड़ता है बॉस, क्योंकि आपकी जो लुक है वो ख़राब हो जाती है, पुराना लगता है देखने में। पूरे देख सकते हो तार पूरे मुड़ चुके हैं। कभी भी जाओ अगर उसके पास हाई प्रेशर है तो उससे बोलो भाई दूर से मार दे, पास से नहीं मारे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा पूरा। कार वॉश कराना हूँ जैक पे करानी है, हमेशा ये आपको याद रखना है, जैक पे कराने से वो अच्छे से क्लीन हो पाती है अंदर से बाहर से, जिस तरह वो कर रहा है भाई। लेकिन अगर वैसे ही कराते हो नॉर्मल से तो वो अच्छे से नहीं हो पाती है। और फिर सबसे पहले तो आपको वॉश ही करानी है कार ढंग से अच्छे से, कहीं पे रेत वगैरह ना रह जाए। उसके बाद आती है दोस्तों शैम्पू की बारी, और कार शैम्पू जब कर लेते हैं अच्छे से उसमें, तो उसके बाद अच्छे से फिर वॉश करानी है कार, ताकि और अच्छे से देख सकते हो क्या झाग बन रहे हैं। तो फोम वाली भी करवा सकते हो, ये भी करवा सकते हो, दोनों ही अच्छी होती है अपनी जगह। ये है दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट, आप देख सकते हो कार एकदम नीट एंड क्लीन। उसके बाद लास्ट में कोटिंग होती है किसकी दोस्तों, पॉलिशिंग की। आप देख सकते हो पॉलिशिंग बहुत अच्छे से करी गई है और कार वॉश बहुत अच्छे से करी गई है, बस छोटी सी थोड़ी सी गलती कर दी उसने कंडेंसर पे।
भाई बहुत क्लियर, अच्छा काम कराया भाई ने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कार वॉश कराने के लिए जब जा रहे हो ना नैनो के अंदर, स्पेशली नैनो के अंदर, और कार में तो हो जाता है यार, और कार में ये चीज हो जाती है कि आपको अपनी जो नॉर्मल कार है तो उसमें भाई इंजन क्लीन करवाओ, साथ में जो उसका बूट है वो बूट क्लीन करवाओ अच्छे से, और अंदर वैक्यूम से क्लीन करवाओ, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज है, वैक्यूम से क्लीन होगी तो छोटे छोटे से भी जो कण होंगे ना मिट्टी के, वो भी वैक्यूम से निकल जाएंगे आपकी कार के अंदर से। मैंने अपने कार जो अंदर से है वैक्यूम से क्लीन करवा। इसके जो कंडेंसर और रेडिएटर फैन है आपकी कार के, लो प्रेशर से धुलवाने हैं, नहीं तो वो तार है जो वो मुड़ जाएंगे उसके, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। अब मैं बता देता हूँ ये कितने में वॉश हुई दोस्तों। छोटी इसके, छोटी कार मत समझ लेना, क्योंकि इसके जो वो अच्छे से और पूरी खोल के अच्छे से करनी पड़ती है क्लीन। नैनो मैंने वॉश करवाई ओनली 100 रुपए में दोस्तों, 100 रुपए में, जहाँ पे 200, 250, 400 इतने रुपए लेते हैं कार वॉश करने के, अच्छे से मेरी 100 में होगी। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नियर बाय में कहीं भी हो, फरीदाबाद से हो, सेक्टर 82, तो मैं सेक्टर 82 में रहता हूँ फरीदाबाद के, तो वहां पे दोस्तों अभी भतोले के अंदर खुली है एक शॉप खुली है, ठीक है, SBI बैंक के पास में खुली है, वो जैक लगा के कार वॉश करते हैं। आपको जैक लगा के कार वॉश करवानी है हमेशा, उसके अंदर से जो नीचे मिट्टी वगैरह वो अच्छे से क्लीन हो पाती है, बिना जैक के मत करवाना, वो 100-150 रुपए लेगा शायद। और वैक्यूम से क्लीन करवाई अंदर से, वो अलग बात, पूरी जो भी इसकी पत्तियां थी इतनी घुसी पड़ी थी इसके अंदर, वो सारी क्लीन हो पाई अच्छे से, दूसरी सबसे अच्छी बात। और तीसरी बात दोस्तों, उन्होंने इस कार पे पॉलिशिंग वगैरह भी करके दी, तो 100 रुपए में यार और क्या चाहिए आपको, बहुत अच्छी क्लीन होगी। मैंने इसलिए अपनी कार नहीं दिखाई दोस्तों, बहुत ज्यादा गंदी थी, बहुत ज्यादा। आप कहते कि कैसे यार कार रख रहा है, ख्याल ही नहीं रखता कार का। तो अब मैंने इस पे, आप देख सकते हो कवर लगा रखा है मैंने तब से, तो इसका मैं कवर भी मंगाऊंगा यार, प्रॉपर नैनो का ही कवर मंगाऊंगा, किसी और कार का लगा रखा है। तो यही है दोस्तों कुछ वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे भी आप कोई भी आपकी कमेंट्स हो वो आप बता सकते हो, और कोई और वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे दोस्तों हम इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, घर पे रहना दोस्तों, सुरक्षित रहना। Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot, we came from nothing to something, nigga, I don't try no.